आज हम जानने वाले हैं LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा कि अगर आपके पास भी कोई LFT का रिपोर्ट आता है या आपको खुद का रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कैसे ये समझ पाओगे कि एक्चुअली में आपको क्या प्रॉब्लम हो चुकी है अगर आपके पास रिपोर्ट आप देखते हो तो। वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और चलिए हम चालू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसके अंदर जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सबसे पहले आता है टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फास्फेट किया जाता है, टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन। तो इन सारे पैरामीटर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कभी भी अगर आप ब्लड सैंपल देते हो किसी लेबोरेटरी में जांच करने के लिए, तो वहाँ पे जब टेस्ट के लिए वो सैंपल जाता है, जब जांच होता है, तो सबसे पहले जो रिजल्ट आता है दोस्तों, उस रिजल्ट में हम सबसे पहले अगर इंटरप्रिटेशन के आधार पर हम देखें या अगर आपको अपना रिपोर्ट अगर पता करना है कि एक्चुअली में आपको क्या दिक्कत हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्कलाइन फास्फेट पर आप नज़र डालिए। यानी कि आपके टेस्ट में अगर अल्कलाइन फास्फेट का जो रिजल्ट है वह आपको बता सकता है कि एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या है, लिवर डिसीज है या और भी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। तो दोस्तों, जो इसका नॉर्मल रेंजेस होता है 53 से लेके 128 ये मेल में होता है यूनिट पर लीटर तक, और फीमेल की जहां तक बात करेंगे वो 42 से लेके 98 यूनिट पर लीटर तक ये फीमेल में होता है। दोस्तों, जो ये अल्कलाइन फास्फेट होता है या हमारे लीवर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं ये उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर कुछ इन्फेक्शन है जो कि पिछले 7-8 दिनों से है या और भी रिसेंटली अगर इन्फेक्शन चला है तो उसके बारे में भी ये बताता है हमको। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक डिसीज है कि नहीं है, ये जो इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि जो अल्कलाइन फास्फेट है ये उसके बारे में हमको बताता है। जो अल्कलाइन फास्फेट होता है दोस्तों, यह हमारे लीवर के अलावा किडनी, बोन और प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो अगर आपके शरीर में जो अल्कलाइन फास्फेट है इसका रेंज अगर बढ़ा हुआ है तो हम एक कैसे पता करेंगे कि यह जो रेंज है दोस्तों ये एक्चुअली ये लिवर डिसीज है या बोन में कोई प्रॉब्लम है या प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है। इसको जानने के लिए हम चलते हैं, आपको देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है टोटल बिलिरुबिन। दोस्तों, जो बिलिरुबिन होता है इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं, यानी कि यह जो अगर हमारे शरीर में अगर रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी संख्या होती है 0.2 से लेकर 1.2 mg/dL तक। अगर इतना हमारे शरीर में रहता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी इसका रेंज अगर बढ़ता है तो प्रॉब्लम सामना हो सकता है। दोस्तों, जो बिलिरुबिन होता है यह हमारे लीवर में बनता है और लीवर से होते हुए यह इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद से जो बिलिरुबिन होता है इसकी वजह से हमारे जो स्टूल होता है उसका कलर येलो हो जाता है और यूरिन को भी येलो कलर ये प्रोवाइड करता है। अगर यह किसी कारणवश जो बिलिरुबिन होता है हमारे शरीर में जो बनता रहता है यह अगर बाहर नहीं निकलता है तो इसकी संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप अक्सर देखते हो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बिलिरुबिन संख्या बढ़ी हुई है उसकी आंख में आप देखोगे येलोपन दिखाई देगा, यानी कि आंख पीले पीले हो जाएगी, जो स्किन त्वचा होगी वह येलो कलर की हो जाती है। दोस्तों, हाथ भी आप देखोगे तो हाथ भी येलो कलर के आपको दिखाई देने लगते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में उसको बोला जाता है पीलिया, यानी कि बिलिरुबिन की संख्या अगर बढ़ जाए तो लोगों को पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है। और अक्सर जो आप देखते हो जो नवजात शिशु होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिलिरुबिन की संख्या बढ़ी हुई होती है, क्योंकि लीवर पूरी तरह से ठीक तरह से बना नहीं होता है, ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन उनके जो नॉर्मल रेंजेस भी होते हैं दोस्तों वो हाई होते हैं, तो एक लिमिट तक उसमें भी नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे अगर संख्या अगर ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर डिजीज छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं SGOT। अक्सर आप देखते हो दोस्तों कहीं भी अगर आप जाँच कराने के लिए जाओ और लीवर के इन्फेक्शन के बारे में अगर पता करना है तो कोई भी डॉक्टर अगर पूरे LFT नहीं कराता है तो आपको SGOT और SGPT लीवर की स्थिति को जानने के लिए टेस्ट जरूर कराया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं SGOT के बारे में। इसके जो नॉर्मल रेंजेस है वो 5 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर तक होता है, और अगर इसकी संख्या हमारे शरीर में बढ़ गया तो मतलब ये होता है कि पेशेंट को लीवर डिसीज है। पर ये कौन सा डिसीज है, कैसा है, इसके जाने के लिए भी और भी सारी चीज़ें हमको जानना पड़ता है। लेकिन जो SGOT जो एंजाइम होता है दोस्तों, यह हमारे किडनी, हार्ट, बोन और ब्रेन से भी यह निकलता है। तो ये हम जानेंगे कैसे कि एक्चुअली इसको यह एक्चुअली कहाँ से है। अगर इसकी संख्या बढ़ी है या इसका लेवल अगर हाई हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि पेशेंट को लिवर डिसीज है, लेकिन इसके अलावा भी और भी सारे चीज़ों से यह निकलता है, जैसे किडनी, हार्ट और लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन से, जैसे कि मैं बताया। तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है SGPT का टेस्ट। जो SGPT होता है वो 7 से लेकर 56 यूनिट पर लीटर तक होता है, लेकिन जो दोस्तों जो मैं ये नॉर्मल रेंजेस आपको बता रहा हूँ ये हर लेबोरेटरी में अलग अलग हो सकता है, हर एक कंपनी का अलग अलग आप रिएजेंट यूज करोगे, मशीन यूज करोगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके नॉर्मल रेंजेस कितने होना चाहिए। अगर SGPT का जो रेंज होता है अगर वो हाई है तो ये एक संकेत जाता है कि पेशेंट एल्कोहलिक डिसीज है, यानी कि यह जो पेशेंट है
वो ज़्यादा अल्कोहल लेता है, जिसकी वजह से जो उसका एसिडिटी का जो लेवल हुआ बढ़ जाता है। उसके अलावा भी अगर व्यक्ति को मलेरिया हुआ हो, डेंगू हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी जो एसिडिटी का जो लेवल होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है। और अगर आपको रिसेंटली या पिछले 7-8 दिनों से कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे एसिपीटी का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं टोटल प्रोटीन। दोस्तों जो टोटल प्रोटीन होता है एक यंग नौजवान व्यक्ति में वो 5 से लेके 8.4 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और ये जो टोटल प्रोटीन होता है दोस्तों यह हमारे अक्सर आप देखोगे इसकी संख्या अगर कम होती है, बढ़ा हुआ बहुत कम होता है, लेकिन अगर प्रोटीन अगर आपके शरीर में कम हो रहा है तो शायद उस व्यक्ति को किडनी डिसीज हुआ होगा, या उस व्यक्ति को आप देखोगे लीवर डिसीज हुआ होगा, या कहीं पे आप देखते हो अगर व्यक्ति को अगर चोट लगी है वहाँ पे घाव बन गया है, तो उस कंडीशन में भी आप चेक कराते हो तो जो आपका टोटल प्रोटीन का जो लेवल होता है दोस्तों वह कम हो जाता है, क्योंकि घाव के ऊपर जो चिपचिपा सा जो पदार्थ आपको देखने को मिलता है वह होता है टोटल प्रोटीन, यानी कि वह प्रोटीन से होता है। तो जब अगर चोट लगती है या ब्लड बाहर आता है तो प्रोटीन्स भी बाहर निकलते हैं, तो उसके वजह से उसका जो लेवल होता है वह कम हो जाता है। साथ में आता है एक और टेस्ट होता है दोस्तों जो एल्बुमिन होता है। अगर एल्बुमिन की संख्या अगर कम हो गई है तो शायद व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो सकता है या ऑटोइम्यून डिसीज है, तो ये बहुत कम रेयर देखने को मिलता है, या खास करके जो जो व्यक्ति अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उनमें एल्बुमिन की संख्या जो होता है वो लेवल कम हो जाता है। अगर आपके पास कोई एलएफडी का टेस्ट है तो आप देखिए आप पता कर सकते हो, नॉर्मली आप जान सकते हो कि आपको एक्चुअली में रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या दिक्कत हो सकती है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी पैरामीटर अगर बढ़ा हुआ है तो आप खुद जान सकते हो कि यह क्यों बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों जब भी अगर आप एलएफटी का टेस्ट देखो तो उसमें बिलिरुबिन आप देखो देखना चाहिए। बिलिरुबिन से हमको यह पता चलता है व्यक्ति को जो कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस वगैरह हुआ है कि नहीं है। एसजीओटीपीटी देखते हो तो लीवर के इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, पेशेंट अल्कोहलिक है कि नहीं है, किडनी डिसीज की है कि नहीं है, शुरुआती कुछ दिनों में उसको लीवर के इन्फेक्शन है कि नहीं है, ये उन सब चीज़ों से यानी कि एसजीओटी एचजीपीटी के वैल्यू से देख हमको पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा आपको।